हेलो स्टूडेंट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आपके लिए आज हमने कौन से एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्प्लिट एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट में क्या शामिल होते हैं। तो आउटडोर यूनिट क्या होते हैं स्प्लिट एयर में, कंडेंसर होता है, कंप्रेशर होता है और फैन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्यूमुलेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है या कहाँ होता है। तो एक्यूमुलेटर का प्रयोग करते हैं कहाँ पर, सक्शन लाइन पर। कहाँ पर करते हैं हम, सक्शन लाइन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वाष्प संपीड़क प्रणाली का भाग है। तो कंप्रेशर क्या होता है हमारा, वाष्प संपीड़क प्रणाली का एक भाग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में होना चाहिए, यानी कि मेन जो अच्छे रेफ्रिजरेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, पहले तो उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए और वेपराइजेशन का हाई लेटेंट हीट, यानी कि वेपराइजेशन की जो लेटेंट हीट है वो भी अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में क्लियरेंस वॉल्यूम आम तौर पर होता है। जितने भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर उसमें क्लियरेंस वॉल्यूम कितना रखा जाता है हमारा, 5% पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से क्या सामान्य तौर पर ऊष्मा का सबसे बेहतर सुचालक। तो सबसे बेहतर सुचालक ऊष्मा के क्या है हमारे, मेटल्स हैं। क्या है हमारे, मेटल्स ऊष्मा के सबसे बेहतर सुचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय वातानुकूलन प्लांट सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में उपयोग किए जाने वाले विस्तार वॉल्व यानी कि एक्सपेंशन वॉल्व क्या होते हैं, थर्मोस्टैटिकली विस्तार वॉल्व यानी कि थर्मोस्टैटिकली एक्सपेंशन वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक कार की एयर कंडीशनिंग का उद्देश्य भीतरी किस चीज़ को नियंत्रित करके पैसेंजर को कंफर्ट देता है, यानी कि किस चीज़ को मेंटेन करता है एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशन मेंटेन करता है हमारी तापमान और आर्द्रता, यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को। किसको, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को। ठीक, घरेलू रेफ्रिजरेटर किस साइकिल पर कार्य करते हैं। तो जितने भी होम रेफ्रिजरेटर्स हैं वो काम करते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल पर। किस पर कार्य करते हैं, वेपर कंप्रेशन साइकिल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडेंसर में प्रशीतक सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले अपनी संवेदन योग्य ऊष्मा को बाहर निकालता है। कंडेंसर क्या करते हैं, जो भी संवेदन योग्य ऊष्मा है उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए क्या करते हैं, कौन सी पद्धति सही नहीं होती। अगर इंसुलेशन हम कर देंगे तो कोई ऊष्मा ट्रांसफ़र होगी नहीं होगी, किसी भी प्रकार का ऊष्मा का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता यदि हम इंसुलेशन कर देंगे। तो यह क्या है, ऊष्मा स्थानांतरण की कोई भी पद्धति नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्लेट टाइप का एवोपरेटर अक्सर किस उपयोग में लाते हैं। तो प्लेट टाइप के जो एवोपरेटर हैं ये टू कंपार्टमेंट रेफ्रिजरेटर होते हैं। क्या होते हैं ये, टू कंपार्टमेंट रेफ्रिजरेटर। ठीक, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट का उदाहरण क्या है, R290 क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट का एग्जाम्पल है। ठीक, बाकी के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही सीरीज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।